म्युनिसिपलिटी सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रेसिडेंट पिंका संधु। मैं खासतौर शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का कि वो हमारे साथ बढ़ चढ़ कर साथ देती है हमारा और हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद करती है। हमने आज 2 तारीख है, 1 तारीख से स्ट्राइक की है। हमारी मांगे वही पुरानी है कि हमें रेगुलराइज किया जाए और हमारी जो जूनटी की पे है वो लागू की जाए और SRO 43 के केस 5-6 साल हो गए पड़े हुए, अभी तक वो इन्होंने नहीं किए हुए हैं और पे कमीशन का पैसा है अभी तक वो भी नहीं दिया है। बाकी पूरी म्यूनसिपलिटियों में दिया गया, रियासी म्यूनसिपलिटी में अभी तक नहीं दिया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कमजोरी किसकी है, इन अफसरों की जो जहाँ लगे हुए हैं सिर्फ आश्वासन देते हैं करते कुछ भी नहीं है। जैसे अभी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि 1 महीने का टाइम दिया उन्होंने और 1 महीने में टाइम लेने के बावजूद भी एक भी मुद्दा जो हमारा है वो अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया। कल उन्होंने 3 बजे मीटिंग रखी हुई थी, उसमें भी वो टाइम ले रहे थे। हम मानते हैं कि वो हमें परमानेंट नहीं कर सकते, ये गवर्नर का या सरकार का मुद्दा है। और ये तो कर सकते थे कि हमारी ड्यूटी की पे है वो बढ़ा सकते थे, हमारे जो SRO 43 के केस हैं, पे कमीशन का पैसा है, सीटों प्रमोशन है, हमारी 2.5 दिन की पे है, ये तो मसला हल कर सकते थे, लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्यों? एक सफाई कर्मचारी उनकी नज़र में एक छोटा सा मुलाजम है, वो उनको कुछ नहीं समझते हैं। वो सिर्फ ये, मैं ये कहना चाहता हूँ ख़ास तौर पर कि वो 1.5-2 लाख रुपए अपनी पेमेंट लेते हैं तो वो तो मैं कहता हूँ कि राजे की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो हम एक छोटे मुलाजम है जो 700-800 रुपये पेमेंट लेते हैं, क्या हमारे बच्चे हैं, परिवार है, अगर हरी बीमारी हो जाए तो 1-2 दिन में वो 700-800 रुपये तो क्या 10-15 हज़ार रुपये लगता है, तो 700-800 रुपये महीना कैसे चलाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ ख़ास तौर जो अफसर हमसे टाइम लेते हैं हमें कुछ नहीं समझते हैं, मैं यही चाहता हूँ कि 1 महीना खाली, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, 1 महीना खाली एक चाय जो होती है ना, एक कप चाय पीते हम हैं उसके साथ, आप लोग तो बहुत कुछ रखते हैं आगे टेबल पर, वो 1 महीना चलाकर दिखाया मेरे को 700 में। हम पूरा परिवार अपना जो संभालते हैं, कैसे गुजारा करते हैं, हमें बच्चे पढ़ाने लिखाने हैं, सारी बीमारी होती है हमारे है, तो किसी बच्चों को कपड़े लाकर देने हैं, कैसे 700 में कैसे होगा, कोई आ रहा है जा रहा है, कहीं आना है जाना है, 700 में कर सकते हैं? आप बड़े अफसर हैं जो आला अधिकारी हैं, वो तो मज़े में है, उनको क्या परवाह है कि छोटे मुलाजिम क्या है, वो कुछ नहीं समझते हमें। मैं यही कहना चाहता हूँ ख़ासतौर जो कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो जल्द से जल्द पूरी, हमें कोई शौक नहीं है कि हम स्ट्राइक पर जाएं, हमें कोई शौक नहीं है कि हम स्ट्राइक पर जाएं, हम यही चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो जल्द से पूरी करें। मैं ख़ासतौर रियासी के शहरवासियों का धन्यवाद करता हूँ कि आज दूसरा दिन है, उन्होंने हमारा साथ दिया, सहयोग किया है कि आगे भी हमारा सहयोग करें जब तक स्ट्राइक चलती है। हमें दुख है कि शहर में गंदगी फैली हुई है और ज़्यादातर फैल रही है, बीमारियां हैं, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, हाथ जोड़ के विनती है, अपील है कि हमारा सहयोग करें। और मैं खासतौर मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि वो जो हमारी आवाज़ बुलंद करते हैं।